नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के ये जो प्रशासनिक सेवा का जो एग्ज़ाम होता है प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो जो राजस्थान है उसका जो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष बताना है आपको। जो WPI होता है राजस्थान का जो सामान्य, उसका आधार वर्ष बताना है आपको। तो जो आधार वर्ष है वो 1999-2000 है, पहला ऑप्शन सही है। फिर जो अखिल भारतीय स्तर पर जो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक होता है उसका आधार वर्ष बताना है, तो उसका आधार वर्ष है 2011-12। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष बताना है, तो उसका आधार वर्ष है 2001। फिर आगे चलते हैं, भारत और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना अंतर है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 29.45 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, भारत और राजस्थान की जनसंख्या में कितना अंतर है। तो भारत की जनसंख्या है 121.09 करोड़ और राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़, तो जो घटाएंगे तो आंसर आएगा 114.24 करोड़, तो ऑप्शन ए सही है। फिर जो राजस्थान का बाल लिंग अनुपात है वो कितना है। तो राजस्थान का बाल लिंग अनुपात है वो 1000 के ऊपर जो बच्चियां हैं, जो 1000 बच्चे हैं उसके ऊपर बच्चियां कितनी है, तो वो है 888, तो ऑप्शन ए सही है। फिर आगे चलते हैं। फिर राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो 17.8% तो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है वो 13.5% है, तो ऑप्शन ए सही है। फिर राजस्थान की दशकीय वृद्धि कितनी है, जो 2001 से लेकर 2011 के अंदर जो दशकीय वृद्धि हुई है वो कितनी है, तो 21.3% है, तो ऑप्शन बी सही है। फिर आगे चलते हैं, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र CSWRI कौन से जिले में स्थित है, तो ये स्थित है टोंक जिले के अंदर। फिर जो अंतिम प्रश्न है वो, राजस्थान का कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कौन से जिले में स्थित है, तो वो है जयपुर के अंदर, जो दुर्गापुरा है वहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।